हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके। आज 8 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर हमें फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। US President Donald Trump has said that the US and China are closer to making a historic trade agreement in the next 4 weeks. President Trump has arrived at a time when top Chinese and American officials are meeting to reach an agreement in Washington. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और चीन अगले 4 हफ्तों में एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता करने के करीब हैं। राष्ट्रपति ट्रंप यह ऐसे समय पर की घोषणा इस समय पर आई है जब शीर्ष चीनी और अमेरिकी अधिकारी वाशिंगटन में एक समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग न्यूज, बैंकिंग समाचारों की। लक्ष्मी विलास बैंक LBB अनाउंस्ड द मर्जर विद इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ऑन April 5। इट्स एम इज टू मेक एन एंटरप्राइज विद मोर कैपिटल बेस एंड ब्रॉड जियोग्राफिकल रीच। लक्ष्मी विलास बैंक ने 5 अप्रैल को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ विलय की घोषणा की। इसका उद्देश्य अधिक पूंजी आधार और व्यापक भौगोलिक पहुंच वाला उद्यम बनाना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियों की। डेविड मालवास वाज इलेक्टेड द 13th प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड बैंक हैज सेलेक्टेड 63 ईयर्स ऑफ मालवास एज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक बाई ए कॉन्सेंसस। डेविड मालपास विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्ड ने आम सहमति से 63 वर्ष के मालपास का विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में चयन किया है। नेक्स्ट, विक्रम कालारसेकर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ क्लेस्कर सिस्टम लिमिटेड टुक ओवर द चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कॉन्फेडरेशन CII, a leading industry organization of the country. He took over as chairman of the year 2019-20. Kotak Mahindra Bank's founder Uday Kotak has been nominated the next president of the organization. Kill Racecar System Limited के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विक्रम किल रेस्कर ने देश के प्रमुख उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने वर्ष 2019-20 के लिए अध्यक्ष का पदभार संभाला है। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक संगठन के अगले अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन अकेडमी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।